अंबाला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को अंबाला में सबसे ज्यादा 185 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 131 लोगों ने तो कोरोना से जंग जीती है। वहीं मार्च महीने से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि जनवरी में 254 और फरवरी में 161 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। इसके बाद मार्च में 2100 केस कोरोना के सामने आए हैं। अप्रैल में 600 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला शहर से 87 केस, अंबाला कैंट से 44, चौड़ मस्तपुर से 34, नारायणगढ़ से 2, शहजादपुर से 2, बराड़ा से 12 और मुलाना से 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आज अंबाला में इस जो सेकंड वेव के सबसे ज्यादा केस 185 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 131 जो केस है वो डिस्चार्ज हुए हैं। आपको पता है कि मार्च महीने में लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर जहाँ तक बात करूँ मैं महीने वाइज, तो लगभग 254 केस जनवरी में थे, वही 254 केस घट के 161 केस फरवरी में हो गए थे, और अगर मार्च की बात की जाए तो मार्च में लगभग 2100 केस आए थे हमारे पास। और अभी अगर पहले 5 दिन की बात की जाए तो पहले 5 दिन में लगभग 600 केस हमारे पास आ चुके हैं। तो ये बड़े ये है कि चिंता का विषय है कि लगातार वेव बढ़ती जा रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो केस सामने आए हैं उनमें अंबाला सिटी से 87 केस हैं, 44 केस हैं अंबाला कैंट से, चौड़मसपुर से 34 केस हैं, 2 केस नारायणगढ़ से हैं, 2 शहजादपुर से हैं, 12 केस बराड़ा से हैं और 4 केस मुलाना से, 185 केस हैं। और इसके साथ ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो टोटल वैक्सीनेशन है वो लगभग 1,70,000 वैक्सीनेशन की डोजेज लगा चुका है, और जो ही वैक्सीनेशन की हमारे को अलग से डोजेज लगेंगे। हम आपको पता है कि लगभग हर गांव तक हमने, हर मोहल्ले तक हम पहुंचे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।